शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः 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 शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, नमः शिवाय, जगाधराय शिव, जगाधराय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गंगाधराय शिव, गंगाधराय, नमः शिवाय, ओम नमः। क्या तैयारी चल रही है शिवरात्रि की स्पेशल मजार पे? मैं राघव मुरारका, चंदापुर धाम मंदिर का आयोजक, शिवरात्रि कार्यक्रम का आयोजक,
इस समय पूरी रात में तैयारी चल रही है। 11 तारीख को जो सुबह 11:30 बजे से 101 परिवारों के द्वारा बाबा का सामूहिक रुद्राभिषेक होना है, उसके सामान की सजावट चल रही है, थालियां सज रही हैं, मंदिर में कम से कम सैकड़ों भक्त जो अपना श्रमदान दे रहे हैं सब मिल के इस समय थाली लगा रहे हैं, और बारात की तैयारियां चल रही हैं। बारात के प्रारूप की तैयारी हो रही, बारात कैसे निकलनी है, कैसे होना है, क्योंकि अब की बारात में एक विशेष चीज़ है, राजपाल यादव और हेमंत पांडे जी फिल्म जगत के दो कलाकार आपके बीच में बारात की अगुवाई करने के लिए आ रहे हैं। बारात के वापस मंदिर पहुंचने पे जो कन्या विवाह होना है उसके दहेज के जो सामान दिया जाता है मंदिर की तरफ से उसके सामान की पैकिंग चल रही है, कैसे कहाँ क्या लगना है उसकी सेटिंग चल रही है। कुल मिला के जो कार्यक्रम मंदिर में आयोजित हैं, 11 को बाबा का जलाभिषेक सुबह प्रातः 4 बजे से, उसके बाद 11:30 बजे से रुद्राभिषेक, दोपहर में 2 बजे से बारात, रात में 9 बजे से कन्या विवाह, जगत जननी माँ पार्वती और जगत पिता भोलेनाथ की शादी के साथ 3 कन्याओं के विवाह का जो कार्यक्रम है उसकी तैयारी, 12 को होना है एक नगर भोज, विशाल नगर भोज जिसमें एक पंगत में लगभग 2,500 व्यक्ति बैठ के खाना खाएगा, और हर पंगत में आपका सारा आइटम बदल रहा है, एक बहुत बड़ी तैयारी है इसके पीछे जो हमारे सेवादार लगे हैं कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। कितने कार्यकर्ता लगेंगे भंडारे वाले दिन, कहीं थोड़ा सा अव्यवस्था रूप न ले ले जिस हिसाब से, जैसा कि भंडारे में हर बार थोड़ा सा समस्या ये आ जाती है कि कहीं पर पूरी पहुंचती है, कहीं पर कुछ सामान पहुंच पाता है, इस विषय में कौन कौन सी कितने एक लाइन में कितने कार्यकर्ता लगे रहेंगे इस पर थोड़ा सा बता दीजिए। भैया ये जो समस्या आप बता रहे हैं, समस्या से 2-3 साल पहले ज़रूर हुआ करती थी, जब प्रसाद लाइन में लग के लोग खाते थे भक्त, जब से बैठा के खाने की व्यवस्था हो गई है तब से इतने आइटम तैयार हो जाते हैं कि हर पंगत में नया आइटम चलना है, कम से कम 60-70 रकम की तरह के आइटम तैयार हो रहे हैं, तो ऐसा कोई अव्यवस्था नहीं है कि किसी के पास कोई सामान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। हाँ, आपने ये जो कहा कि मंदिर में सेवादार कितने लगे हैं, ये तो प्रभु की लीला है, प्रभु ही जाने कि सेवादार उस दिन सैकड़ों की तादाद में कहाँ से कैसे आ जाते हैं और घंटों अपनी सेवा दे के निकल जाते हैं, ये पता नहीं लगता प्रभु किस रूप में आते हैं। कौन कौन से कार्यकर्ता हैं आपके कमेटी में या और भी जो लोग व्यवस्थाएं देख रहे हैं उनके नाम बता दीजिए। हमारी कमेटी में इस समय संरक्षक के रूप में जगदीश चरानी जी, मंटू शुक्ला जी, कार्यालय व्यवस्थापक के रूप में प्रज्ञा रत्न मिश्रा, कमेटी सदस्यों में जसप्रीत सिंह गांधी उर्फ गोल्डी, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, सचिन शुक्ला, पवन अग्रवाल, विजय गुप्ता, प्रकाश राजपाल, टिंकू राजपाल, पंकज अग्रवाल, मंटू बदलानी, ऐसे कई नाम हैं, सारे नाम लेना तो मेरे लिए संभव ही नहीं है क्योंकि कितने लोग कार्य में लगे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, सबके नाम तो हम लेना संभव नहीं है, फिर भी जो मुख्य रूप से हैं वो आपको नाम बताए हमने।